आपका स्वागत है। आई एम गोपाल एंड आई एम ब्लॉगिंग टुडे बिकॉज आई जस्ट लव ब्लॉगिंग। बड़ी ही सुंदर सी मॉर्निंग है और हम आज फुट गर्ल की तरह एक्चुअली जल्दी उठ गए और जल्दी उठ के हमने थोड़ा सा एक्सरसाइज किया है और हम गुड गर्ल भी बन चुके हैं। भाई मेरी मम्मी आज इतनी ज्यादा सरप्राइज हो जाने वाली, एकदम शॉक हो जाने वाली है। मैं बताती हूँ, तो सितंबर शुरू हुआ है और मैंने डिसाइड किया है कि मैं अब ये जो थोड़ा बहुत साल बचा है मैं इसमें बहुत ही ज्यादा अच्छी बच्ची बन के रहूंगी। मेरा न्यू ईयर ये सितंबर से शुरू हो रहा है। बिहाइंड द सीन्स एकदम फुल रोलर कोस्टर वाला साल था, तो मैंने डिसाइड किया अभी सितंबर में सिर्फ सब कुछ स्मूथ रहेगा, सारे काम टाइम पे होने चाहिए, सारी चीजें हम बिल्कुल सही करेंगे। इसकी शुरुआत हम करेंगे थोड़े से डीक्लटर से, तो हमारे घर ना कपड़े वपड़े थोड़े से तहस नहस इधर उधर हो गए, तो हम थोड़ा थोड़ा दिन में सफाई भी करेंगे, बहुत सारे काम भी करेंगे और बहुत ज्यादा मजा भी आने वाली है आपको। फिक्स माई लाइफ, मैं हर महीने की पहले हफ्ते में फिक्स माई लाइफ का मोर्चा लेके निकलती हूँ। बट ठीक है, इस बार हम करके दिखाएंगे बॉब द बिल्डर। वाह भाई वाह। चले जी, सुबह सुबह क्योंकि मैं जल्दी उठ गई तो मुझे बहुत जोर की भूख लगी हुई, चलते हैं नीचे फटाफट थोड़ा सा खाना पीना खाते हैं। गाइस हमारे यहाँ ना हर चीज में चींटी हो जाती है, ऐसा लगता है ये मेरा घर नहीं, ये चींटियों का घर है। बहुत सारी चींटियों के साथ हम दो चार इंसान रह लेते हैं, मतलब कुछ भी एक चीज रखी हो बस चींटी ही चींटी हो जाएगी। एक बात तो बुक्स में किसकी चींटी लगती है, माना मैं बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी चीजें लिखती हूँ पर किताबों में कहीं चींटी लगती है क्या? मेरी किताब में आपको दिखाती हूँ, रुको ये देखो, ये मेरी बुक्स में चींटी लगी है। भगवान जाने ये चींटी कहाँ से आई है, यहाँ कौन से गन्ने का रस पड़ा हुआ है, कौन सी यहाँ तुमको चॉकलेट मिल रही है। मैं इसको धूप में रख देती हूँ। और पता है ये चींटी है ना, मतलब अभी मैंने यहाँ हाथ में पकड़ी है, पता चला कहीं मेरे पीठ पे जाके एक चींटी काट लेगी और फिर मेरी सीधी डेथ। हमारी किताबें फोन चार्जर ये सब लेके चलते हैं। चलिए जी नीचे बैठ के थोड़ा सा काम करेंगे। सॉरी गिर गए। गुड मॉर्निंग मम्मा, गुड मॉर्निंग। आज आप कुछ बदला सा देख रहे हो। आपको आप अन्नू बन्नू करके आ गए। yes! आज तो राजा बेटा बन, एकदम राजा बाबू गुड गर्ल बन गई हूँ मैं आज सुबह ही सुबह। आज आपको पता मैं कितने बजे उठी हूँ? हाँ? आज सुबह मैं उठी हूँ 8 बजे। मुझे तो नहीं पता, आपको नहीं पता इसलिए मैं आपको बता रही हूँ आज सुबह 8 बजे उठी हूँ, एकदम गुड गर्ल की तरह। अब मैं रोज सुबह 8 बजे उठूंगी, देख लेना। आपको 8 बजे डेली में गोपाली के फोन में अपना कैमरा लेके जाके अब पक्का देखाऊंगा। अब जिस दिन मैं 8:02 को भी उठूंगी मेरी मम्मी का कैमरा आ जाएगा। क्यों? आप 8:15 पे भी उठ के दिखा दो, 8:15 पे भी डेली। अच्छा बताओ जो आपके वहाँ वाले प्लॉट है वो मेरे, अगर मैं रोज 8 बजे उठी तो चैलेंज। तुम 8:15 डेली उठ के देखा, कितने महीने, 1 महीना? नहीं नहीं, लाइफ टाइम। यार लाइफ टाइम थोड़ी होता है, कितने बजे में 4 बजे सो दिन पता है वो चैलेंज। यार मम्मी आपके बीच में लूपहोल ढूंढ लिया आपने बिग बॉस वाले टास्क में। इस मेरी मम्मी ना हम लोगों में से ही है जो इंटरनेट पे चीजें देख लेती है फिर उनको वही चाहिए होती है। मुझे अभी बहुत शौक है हर चीज। अब क्योंकि इन्होंने इंटरनेट पे बताओ आंटी को ये मसाला नहीं, लेकिन ये है कि थोड़ा डेली यूज के लिए नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, ये देखो ये सिर्फ है वीडियो के लिए और सारे मसाले आंटी इसमें रखती है। और ये वीडियो में भी आंटी खुद लेके आई, हमने नहीं बोला क्योंकि आंटी ने बहुत सारे लोगों को यूज करते हुए देखा है तो आंटी को भी चाहिए थी। आंटी हमें लेके बैठती है अमेज़न पे, ये वाली मसाला लानी चाहिए, कॉस्टली भी है इसलिए बहुत कम यूज होती है। इसको पता है सब, मतलब बिल्कुल महीनों में एक दिन याद आता है कि मेरे पास चश्मा भी है। बिल्कुल सही है ना मम्मी, किसी दिन सुबह याद आ गया, अभी इसको दिख गया होगा तो टच गया तो लाइफ में कलर भर गए। लगा उनके पास तो खुद के पास चश्मा है, नॉर्मली कलर नहीं हो, ये लगा तो बहुत ब्राइट लग रहा है। चलो ठीक है आज देख लो लाइफ में कलर भर जाते, कल आप देख लेना कल। ये तूने कितने जो बनाए 2 महीने हो गए, तूने गिन के 2 बार लगाया होगा इसे। रात में लगाती, रात में क्यों लगाती है, सोते वक्त लगाती है। नहीं नहीं मेरे को
रात में बहुत कम दिखते हैं जब मैं ड्राइव ड्राइव करती हूँ। तो गोपाल दिख रही है? मैं तो कही जानवी कितने हैं ये, कितने जानवी है। अब हम लोग जाते हैं हमारे दूसरे काम पे। मैं सोच रही हूँ अभी ना हमारे पास ना बहुत सारी जींसें रखी हुई हैं, बहुत सारे ऐसे पैंट्स रखे हुए हैं जो बहुत ज्यादा लंबे हमारे लिए, और वो बस हम ले आते हैं कि हम कटवा लेंगे बट वो हम कभी दे नहीं पाते अल्टरेशन वगैरह के लिए। आज मेरा काम है पैंट्स और जींस वाले सेक्शन को समेटना, तो आ जाइए दोस्तों मित्रों थोड़ा सा काम करते हैं, आ जाओ। हमारा क्लोजेट कुछ ऐसा दिख रहा है इस समय। ये है हमारे जीन्स वाले सेक्शन जो आज हमें पूरा ठीक करना है। इतना बड़ा पैंट है इसमें मैं दो बार आ जाऊं खुद के लिए जंपसूट है। गाइज देख रहे हो दीदी जी कितनी ऑर्गेनाइज हो गई है। मेरे विटामिन्स की टैबलेट लेने का टाइम हो गया है, चलो वो ले लेते हैं। आ जाओ। मुझे इतना ज्यादा हेयर फॉल हो रहा था कि मुझे स्ट्रेस में और ज्यादा हेयर फॉल होने लगे थे कि इतना हेयर फॉल हो क्यों रहा है। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने एक स्टोरी भी डाली थी कि कैसे मेरा हेयर फॉल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और आप में से बहुत सारे लोगों की भी मेरे जैसी समस्या थी। जान के दुख हुआ था पर थोड़ी सी खुशी भी हुई थी कि मैं इसमें अकेली नहीं हूं, अकेले मेरे ही बाल नहीं जा रहे थे, सबके बाल जा रहे थे। जोक्स गाइस जोक्स। पूरे घर में मेरे बाल हुआ करते थे, मैं हेयर ऑयल करती थी, हेयर वॉश करती थी, हेयर ऑयल करो तो भी बाल निकल रहे हैं, वॉश में भी बाल निकल रहे हैं, और मुझे खुद को भी ना अपने बालों की ना ऐसे लाइक जब आप करते तो आपको पता चलता है एकदम पतले हो गए थे मेरे बाल। तो प्रॉब्लम ये थी, मैंने ना सारे सॉल्यूशंस ट्राई कर लिए, तो जितने भी सॉल्यूशन थे ना वो मैं बाहर से ट्राई कर रही थी, ऑयल लगा के, शैम्पू लगा के, कंडीशनर से, मास्क वगैरह से, बट जो मेन मेरे बालों की प्रॉब्लम थी ना वो थी अंदर से। मतलब मेरे बालों को जो न्यूट्रिशन चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था, और आपको पता है जैसी चीजें मैं खाती पीती हूँ मेरे शरीर को न्यूट्रिशन मिल जाए वही बड़ी बात है। तो इसलिए मैंने सोचा मैं खुद के लिए भी और आप सबके लिए भी एक सॉल्यूशन ढूंढूंगी, और इसका सॉल्यूशन लेके आया है त्राया। सो दिस इज अ हेयरफॉल सॉल्यूशन कंपनी। इनका फंडा कुछ ऐसा है कि पहले तो डॉक्टर अप्रूव है, और ये जितने भी ट्रीटमेंट है ना वो कस्टमाइज करते हैं आपके हेयर फॉल के हिसाब से। कैसे? इनकी वेबसाइट पर एक हेयर टेस्ट है, वही हेयर टेस्ट लो, उसमें कुछ सवाल पूछे जाते हैं जिसके जरिए ये लोग हमारे हेयर फॉल का रूट कॉज एनालाइज करेंगे और फिर एक कस्टमाइज प्लान तैयार किया जाएगा। अब जैसे मुझे स्ट्रेस की वजह से हेयर फॉल हुआ तो मेरी ट्रीटमेंट उसी तरीके से मॉडिफाई की गई थी। वैसे ही सबका अलग अलग रूट कॉज होता है, न्यूट्रिशन, पीसीओएस, हार्मोन्स, जीन्स और कितना कुछ। इस हेयर फॉल किट में मुझे मिले कुछ सप्लीमेंट्स, और इसी के साथ साथ इन्होंने मुझे हेयर ऑयल, शैम्पू, कंडीशनर, सीरम, ये सारी चीजें भी दी हैं। अब मैंने ना एक महीने वाली किट मंगवाई थी और एकदम गुड गर्ल की तरह मैंने सारी चीजें, आपने देखा, अलार्म लगा के फॉलो की थी क्योंकि मुझे जेन्युइनली मेरा हेयर फॉल रोकना था, एंड फाइनली अब मुझे दिख रहे हैं रिजल्ट। तो त्राया पे ना आपको किट के साथ एक डाइट प्लान भी मिलेगा। अब मेरा और डाइट का रिश्ता तो लेट्स नॉट गेट देयर, बट मुझे ना ये सारे प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद काफी ज्यादा अच्छा डिफरेंस लगा है। मेरे बाल मुझे काफी ज्यादा शाइनी भी लग रहे हैं। आज ना थर्ड डे है जब मैंने हेयर वॉश नहीं किया है, बट स्टिल यू कैन सी अच्छी खासी शाइन है। और पहले ना जब मैं हाथ घुमाती थी ना मेरे हाथों में बड़े सारे बाल आ जाते थे, अब आप देख रहे हो कोई बाल नहीं आ रहा है, जो बहुत टाइम के बाद हुआ है। एंड सो हैप्पी। तो मुझे अच्छा खासा रिजल्ट तो दिख रहा है, तो मैं सोच रही हूं मैं तो इसको जरूर कंटिन्यू करूंगी, और ये सेफ भी है, क्रुएल्टी फ्री भी है, सो गुड टू गो। तो मैं इंटरनेट से कोई भी चीज ऐसे मंगवाती हूँ उससे पहले मैं उनके रिव्यूज चेक करती हूँ। अब यहाँ पे ना 93% लोगों ने जिन्होंने इसको अच्छे से यूज किया था उनको एकदम सही रिजल्ट्स मिले थे, तो मैंने सोचा हम भी ट्राई करके देखते हैं। अब मैंने अलार्म लगाया इसलिए था क्योंकि ऐसी चीजें ना हम नॉर्मली भूल जाते हैं, ठीक है खा लेंगे देख लेंगे, बट अगर अलार्म लगा होता ना तो टाइम पे जाके वो चीज खा पाते हो। अब अगर आपको अच्छे अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो अच्छे बच्चों की तरह सारी चीजें फॉलो भी करनी पड़ेंगी। खरीदना कैसे वो बता देती, तो आप ना इनकी वेबसाइट पे चले जाओ त्राया.health, वहां पे जाके फ्री हेयर टेस्ट करा लो, और पे आपको आपका 1 month का कस्टमाइज किट रेकमेंड कर दिया जाएगा, वो ऑर्डर कर लो और 5 महीने कंसिस्टेंटली इसको यूज करो और आपको रिजल्ट्स देखने मिल जाएंगे। लिंक आपके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। ऑल्सो आप मेरा कूपन कोड गोपाली20 यूज करके 20% डिस्काउंट ले सकते हो। ये ऑफर सिर्फ 5 दिन के लिए वैलिड है, सो मेक श्योर आप लिंक जरूर से चेक कर लेना। अभी चलते हैं, हमने जो ये हमारी सारी जींसें फैला दी इनको सबको समेटते हैं। आज हेलो गाइस, ये जींस हमने थोड़ी से फैला के छोड़ दी, थोड़ा काम कर लिया, इस काम में ब्रेक लग चुका है क्योंकि हमें यहाँ पे एक काम आ गया है। ऑल्सो मैंने भी अपनी कॉफी मंगवा ली थी कि हमें ये काम निपटाना है। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत काम काज ही चल रहा है। ऑल्सो साइमा ने हमें बहुत ही प्यारे से आउटफिट भिजवाए हैं। जानवी इज वेयरिंग वन, लुक्स वेरी प्रिटी। और यस, तो भी यही सब चल रहा है, मैं मेरे काम पे लग जाती हूँ। आइए दोस्तों, मैंने प्लान किया था कि मैं ये सारा काम कर लूंगी, बट क्योंकि अब बीच में मुझे ये वाला काम आ गया तो मैं ये वाला काम करना जरूरी है। तो हम पहले ये काम करते हैं, शॉर्ट डालते हैं, रील मैंने डाल दी है, यूट्यूब भी जाएगा आज। आज मैं बड़ी खुश हूँ, तीनों दिन जिस दिन एक ही दिन में जिस दिन तीनों चीजें जाती हूँ मुझे बड़ी खुशी मिलती है। गाइस
गाइस मैं यहाँ बैठ के अच्छे से एडिट कर रही थी अपनी टेबल कुर्सी पे, छोटी बहन आती है और मेरी ही कुर्सी मेरे कमरे से बाहर ले जाती है। ये तेरी कुर्सी है बहन, पैसे किससे दिए इस कुर्सी के? हेलो मैडम, मैडम जब मैं लेने सब कुछ पैसों से तोलती है, जब मैं लेके आ रही थी तब तो बकवास कर रही थी कि ये कुर्सी क्यों लेके आ रही, इसकी जरूरत नहीं, अगर तुझे आदत तो पुराने वाले स्टूडियो में लेने चलते हैं। चल चल ना तो फिर बस जीनू दीदी जी हम लोग साथ में मिलके पहले लंच करेंगे फिर काम करेंगे। मेरे को एक रीजन मिल गया प्रोकेस्टिनेट करने का, अब हम पहले मिलके लंच कर लेते हैं, बहुत भूख लगी है। यूट्यूब शॉर्ट्स की मर्चेंडाइज हमारा फुल फैमिली यूज करता है, ये बैग सबसे बेस्ट बैग है आज तक जो यूट्यूब शॉर्ट ने दिया है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट एक्चुअली बैग बहुत ज्यादा अच्छा, अंदर इसमें झोले वोले भी है, सब्जी वब्जी लेना उसके लिए भी मस्त बैग। यस यस यूट्यूब अगर ये देख रहे हो आप वीडियो तो हमें ये वाले बैग थोड़े और भिजवा दो, मेरे दादी दादा मेरे पूरे परिवार को ये बैग बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। दीदी हैव यू गॉट अस फ्लावर्स? ओ जीनू दीदी टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे जीनू दीदी, हैव गॉट टीचर्स, विश कर टीचर्स डे, विश कर हैप्पी टीचर्स डे। गाइस बने हैं बहुत ही यम्मी से कोफ्ते, यहाँ पे बन रहे हैं चावल, ये बन रही है भिंडी की सब्जी, गाइस मम्मी अपनी गुड नाइट की नींद करके आ चुकी हैं। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। गुड मॉर्निंग मम्मी, एक बात बताओ ये मम्मियाँ कभी एक्सेप्ट क्यों नहीं करती कि ये सो रही थी? एक मिनट इधर देखो, आप लोग कभी एक्सेप्ट क्यों नहीं करते सो रहे? इनकी अगर आंखें बंद हो गई और मैंने बोल दिया मम्मी आप सो रही थी, कहा मैं सो रही थी, है बस मैं दो मिनट की आंख बंद करके ले जो तुम्हें लगता है मैं सोने लग गई थी। गाइस बुआ जानवी फेल होते हुए, झरना चल रहा है जो झरने पे आप मेकअप कर रहे हो, जिन्हें दीदी को बहुत पसीना आ रहा है और जानवी उनका मेकअप करके देने की कोशिश कर रही है। मैडम एक फोटो, मैडम एक फोटो, मैडम एक फोटो, फोटो फोटो मैडम वन फोटो प्लीज मैडम। हेलो जी, शाम के 6:30 बज गए, फाइनली हमारे सारे काम खत्म हो गए हैं और मुझे लगी बहुत जोर की भूख। मैं सोच रही हूँ आज हम घर पे कुछ एकदम बढ़िया सा बनाते हैं, नॉट स्पेगेटी, स्पेगेटी के अलावा हम कुछ बढ़िया सा बनाते हैं। नॉर्मली तक कुक नहीं करती, बट पहले मैं ऐसा करती थी, मैं कोई भी नई रेसिपी लेती थी वो बनाती थी, तो आज मेरा मन है मैं वापस वैसा कुछ करूं। बना कुछ पनीर बनाया। पनीर नहीं बनाऊंगी मैं, ये लोग मेरे को स्पेगेटी से मारेंगे। अब अगर मैंने और एक आध दो बार मैंने स्पेगेटी दिखा दी ना, स्पेगेटी की वो डंडियों से ही मुझे मार पड़ रही होगी। यार पता है मैंने ना वो देखे थे पोटैटो कोरियन मोटे वाले नूडल्स, मुझे वो भी बड़े अच्छे लगे थे। ये वाले बनाते हैं, देखो कितने टेम्पटिंग लगने, देख जानू गई के देखिए, इसको अभी 10 मिनट में जिम निकलना है। ये दीदी जी को 10 मिनट में जिम निकलना है, मुझे तो मेरा तो मन भी नहीं है ये जिम जाए। आप लोगों को बोल रही थी ना ये घर मेरा नहीं चींटियों का घर है, आज तो चींटियों ने मेरे बेड पे भी कब्जा कर लिया, मेरे पूरे कंबल में चींटी ही चींटी हो गई है। ये देखो ये सारी लाइन बना के, एक जगह नहीं बेटा ये देखो दूसरी लाइन बनाई है। ये बताओ पैरदान में कौन सी चाशनी है, गुलाब जामुन लग रहा है चींटियों को, क्या गुलाब जामुन के कलर है? तो गाइस मैं आ गई थी काम करने, मैं थोड़ी देर बेड पे लेट के आई थी और मैंने आपको बोला था ना ये चींटी कहाँ जाके काटेगी समझ में नहीं आएगा मेरे को। ये आप देख रहे हो ये सारा लाल लाल कर दिया चींटी ने काट काट के, मुझे चींटी जैसा बनना है, इतना छोटा सा बट इतना आफत और तूफान मचाने वाली बंदी है ये चींटी। मैंने मेरे कपड़े भी इसीलिए चेंज कर लिए क्योंकि मुझे लग रहा था इसके अंदर चींटी चलेगी, ये हो गया वो हो गया। हेलो गाइस वेलकम, फाइनली शी इज हियर। गाइस मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट अर्जेंट कॉल आ गया था, कॉल आ गया था बिजनेस मीटिंग पूरी बैठी। ओह माय गॉड बिजनेस मीटिंग, गप्पे मार रही मुझे पता था, मैंने दो बार कॉल नहीं उठा, मैंने पोलो जानू क्या बोला आपको, गप्पे मार रही होगी क्योंकि आपको पता ना मैं आपकी बेटी हूँ, आप ही पे गई हूँ, आप भी सेंड करती हो मैं भी सेंड कर रही हूँ। अच्छा बताओ मैं मम्मी भी सेम है, गप्पा मारने को उधर आती है फिर कुछ नहीं देखती है। नवरात्रि आया आपने ना? हाँ मम्मी, हाँ यस मम्मी, वेरी गुड मम्मी, चप्पू जुबान लेने नहीं कट रहा हूँ। चलिए गाइस हम पहले आलू छील लेते हैं। गाइस हमने आलू को बारीक तो नहीं पर थोड़ा नॉन बारीक काट लिया है, अब हम इसे उबलने रख देंगे, हमें इन आलूओं को पकाना है। पक जाओ आलू जी, पक जाओ। तू बातें कर ले थोड़ी उनके साथ, पक जाएंगे।
ये तुझे देखते देखते ही पक रहे हैं, मुझे बातें करने की जरूरत नहीं है। गाइस जब तक हमारे आलू उबल रहे तब तक हम हमारे गार्लिक चॉप कर लेते हैं। मेरी कोरियन वाली चिल्ली कहाँ है यार? ये तो बहुत ही बढ़िया बनाती है, लास्ट टाइम बनाया था बहुत टेस्टी। एक मिनट, ये चीज जो मेरी बुराई है ये तो बिल्कुल क्या, ज्यादा मत बोलवा मुझसे, समझी? यहाँ देख के बोल क्या, पहले मेरा मुंह छोड़, यहाँ देख, वेरी गुड, यहाँ देख, पहले बोल जाती वैसे नहीं बोलूंगी। ये देख रहे हो कॉपी क्या संगत का, अपना कुछ नया ला, नया ला अपना कुछ नया ला, चल मेरी कॉपी मत कर, अभी जानो सुपर स्टार बने हो थोड़ा सा। बहुत दिनों बाद हम तीनों लोग किचन में आए हैं। गाइस यहाँ पे बुरी बेटी अपना पनीर पास्ता बना रही है, पनीर स्पेगेटी बना रही है, रायता बना रही हूँ। गोपाली मैडम इज इन द किचन, ये तो होना ही था गाइस। ये मैं बताती हूँ मेरी गलती कैसे नहीं है, ये इतना टाइट था कि जैसे ही मैंने खोला है ये गिर गया। हम लेंगे आलू, उसको इसमें डालेंगे और फिर हम इसको मैश, कितना सही लग रहा है, ये बहुत टेस्टी बनता है, आई रिमेम्बर ईटिंग इट लास्ट टाइम। ओके तो इसमें हम डालेंगे ये कॉर्न फ्लोर। ओके तेरा फ्लावर मेरा फ्लोर, हम इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। ये तो चार टुकड़े हो गए नूडल्स के गाइस, हम दो टुकड़े करके डालते थे, दैट इज बेटर, बस चिपके है ना आपस में कोई भी। गाइस मुझे लगता है हमने कुछ गड़बड़ कर दी है, ये तो सारे घुल रहे हैं आपस में, ये वाला देख रहे हो ये आलू। ओके गाइस कुछ तो गड़बड़ हुई, मेरी खाते जो हमने गोल वाले बनाए हैं ना ये वाले एकदम खुल जा रहे हैं, बाकी जो नूडल्स है वो फिर भी सही रह रही हैं। वो भी मेरे को थोड़ा सा डर तो लग रहा है कि उनके साथ संगत का असर उन्हें भी ना लग जाए, यहाँ मेरे को बहुत मन है खाने का, प्लीज गड़बड़ मत हो प्लीज। दे हैव लेफ्ट देयर शेप, पता है हम हर बार की स्पेगेटी बनाते क्योंकि कुछ और बना नहीं पाते। देख देख ये सही है, कौन से वाले अपने आप में गाइस, मैंने कोरियन हलवा बना दिया गाइस, ये यार इतने भी बुरे नहीं है गाइस, खतरों के खिलाड़ी खेलती है गोपाली। ये वाले सही हो रहे हैं, मुझे लगता है पानी गर्म नहीं हुआ था इसलिए ऐसा गड़बड़ हो गया है, क्योंकि ये वाले बिल्कुल सही है, ये देखो वाह, मुझे ये बनाने चाहिए, फालतू नूडल्स नूडल्स के चक्कर में पड़ी है। चलो ठीक है ये पक गया, हम अपना ऑयल बना लेते हैं पक से। गाइस हमने एकदम भर के गार्लिक डाला है और ये रही धनिया और साथ ही साथ हम डालेंगे वो ये कोरियन वाली मिर्ची और ये शगुन के लिए अपनी खुद की हरी तीखी मिर्ची भी डालेंगे हम। गाइस मैंने ऑयल गर्म होने से पहले उसमें गार्लिक डाल दी थी क्योंकि जब गार्लिक ऑयल में इन्फ्यूज होता है ना उसका जो फ्लेवर होता है ना आहा लाजवाब होता है वो। अब इसमें गए हमारी हरी मिर्ची और गई हमारी थोड़ी सी धनिया और गई गुजकारू। ओहो क्या खुशबू आ रही है, क्या बढ़िया लग रहा है ये। हम इन्हें आप थोड़ा सा नमक भी डाल लेंगे क्योंकि हम नमक डालना भूल गए थे, विल जस्ट ऐड सम ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। ओहो ये कितना गजब लग रहा है भाई, एकदम गजब बना दी गोपाली जी, एकदम गजब बना दी। अब बारी है इसको इस पे पोर करने की। ओ भाई साहब मजा आ जाएगा इसको खा के। आज हम हमारे खाने की शक्ल पे नहीं जाएंगे, हमारे खाने की शक्ल काफी ओके सी लग रही है क्योंकि नीचे ना थोड़ा इसको मिक्स करना मुश्किल है, नीचे से थोड़ा हलवा है बट खुशबू लाजवाब। चलिए जिसको चखाते हैं, लोगों को बोलेंगे आंख बंद करके खाओ तो अच्छा लगेगा। ये आलू ही है, नहीं सबको दे नहीं सकते, देखो हलवा बन जाएगा, वो शीरा बन जाएगा, एकदम से कोरियन डिश से शीरा बन जाएगा। चलो मैं खुद भी चख के बताती हूँ कैसा बना है। रुको ये फैंसी लग रहा है, बनाना बहुत आसान है, गोपाली क्या खुद है, कलियां निकालने वाले अपना खुद इंतजाम करें, मैं खिलाती हूँ आपको अपनी बना के बढ़िया।
हाँ नमक नमक डाल, नमक मेरे लिए भी ले आना थोड़ा सा। अरे नमक आ रहा है तो फिर हम भी इस्तेमाल कर लेंगे, ये लोग कम गार्लिक वाला। मस्त बनाए ना बड़ी मम्मी। मम्मी कैसे बनाए? जीनू दीदी प्लीज प्लीज टेल मी कैसा बना। हाउ इज इट? कैमरा बंद करने के बाद गालियां तो नहीं दोगे? सच्ची अच्छा बना है। बढ़िया बना है, आ जाओ फिर खा लो। क्या जानवी बाहर स्मेल बहुत अच्छी आ रही है, नमक डाल के खिलाना। और ये सब खाने में ऑयल गिरा रही है। खाना तो बोगो में मुझे पता है। बढ़िया बना। दस में से कितने दीदी? जीनू दीदी दस में से कितने मार्क्स हो गए? आप टीचर हो ना, हैप्पी टीचर टाइप। दस में से ग्यारह कितने देगी? छह। सही रहा, तू टीचर नहीं बनी इसीलिए नहीं बन पाएगी टीचर। मम्मी दस में से कितने नंबर? नाइन। बड़ी मम्मी आप कितने दोगे? चल बढ़ा दी मैंने, दस में से नौ। मैं आपको दूंगी, मैंने दे दिया ना ग्यारह। बड़ी मम्मी वेरी गुड, थैंक यू सो मच, आप ही मेरे प्यारे अच्छी बहन हो। हेलो जी, इट इज द नेक्स्ट डे। हेलो मम्मी, आज जन्माष्टमी, हैप्पी जन्माष्टमी। और हम यहाँ जन्माष्टमी के लिए, हम वैसे आए तो ब्रेड फ्रूट लेने थे, बट हमें यहाँ पे ये दिख गया है। कितनी सुंदर प्यारी लग रही है। कौन सी ले मम्मी बताओ? मक्खन गिरते हुए वाली ले लो। मक्खन गिरते हुए वाली ले ली, सभी अच्छी लग रही है। ये वाली ले ली भैया? कौन सा फ्लेवर होगा केक में? चॉकलेट मार्ट, यही दे दीजिए ना, एक चॉकलेट मार्ट। हेलो गाइस, शाम हो चुकी है, हम पूरे दिन बैठ के, आज जन्माष्टमी थी तो आज सबकी छुट्टी थी, तो हम सारे छुट्टी मना रहे थे, मिलके मजे कर रहे थे। और अभी हम वापस राखी मनाने जा रहे हैं, हमारे चाचू की राखी रह गई थी तो हम वो मनाने जा रहे हैं। यस, वो लोग गो का थोड़ा कुछ सपा हो गया था तो हम राखी मनाने जा रहे हैं। ऑल्सो झलक मैडम इज हियर। हेलो झलो। हेलो तमन्ना जी, प्लीज हमारी तमन्नाएं पूरी करें। हेलो जीनू दीदी। हेलो हेलो मनु। हेलो यस, तो चलो कौन बोलेगा? आज हम अभी हम मनाते हैं जन्माष्टमी। सो यस, मजा आएगी, बहुत सारे फूल वूल आ गए, हम सब डेकोरेट वगैरह करेंगे, मजा आएगी। मुझे बहुत भूख लगी, चलो रन। अभी तक तो बहुत मुझे यहाँ से चिल्लाने लगी थी। पास मत कर, निकल। मेरे सब दर्द हो रहा है बॉडी में, मत कर। तेरी बॉडी में परमानेंट दर्द ही तू रहती है तो दर्द तो रहेगा। यहाँ पे भोग के लिए बन रहा है खस्ता कचौरी, बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है, मुझे ऑलरेडी भूख लग रही है, हम इसे नहीं खा सकते हैं। ये मैडम जी खा रही है यहाँ पे कप्पा नूडल्स। हेलो माता जी। हेलो, यहाँ पे बन गया ये पाक। तो ये ना हमारे यहाँ हर बार कृष्ण जी को भोग लगाया जाता है इसका, ये बहुत टेस्टी लगता है। यहाँ पे भोग के लिए बन रहे हैं आलू टमाटर, वेरी टेस्टी। मैं ब्लॉग करना भूल गई थी, बट आपकी आंटी ने बहुत लाजवाब खस्ता कचौरी बना के खिलाई है मुझे। आप लोग भी बना के, मैंने ढेर सारा वो बना के रखा, बहुत ज्यादा यमी कचौरी बन गई। अब चले, हम बहुत लेट हो गया। चलो चलो चलो, मम्मी इतनी बार बोल चुकी है चले 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 चले, और कैसे मार दोगी? आप इतनी छोटी हो उससे कैसे मारो। मम्मी उन्हें मारने वाले कोई काम किए? मम्मी आज तो एकदम अच्छी बेटी थी। चलो लेट्स गो, आज मैं पूरे दिन घर से बाहर नहीं गई इसलिए मैं अच्छी बेटी हूँ गाइस। हेलो जी, हम लोग आ गए हैं मंदिर का डेकोरेशन करने के लिए, हमें थोड़े फूल फूल का काम करना है। ये बड़े पापा के घर का मंदिर है, तो हम लोग सारी फैमिली इकट्ठी एक ही जगह पे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो हम जन्माष्टमी यहाँ पे सेलिब्रेट करने वाले हैं। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड, कितना प्यारा लग रहा है। हमारे मंदिर से लड्डू गोपाल जी भी यहाँ आ गए हैं, उनको भी हम यहीं स्थापित कर देते हैं। हमने हमारे जो आर्टिस्ट ने उन्हें कानपुर से स्पेशली बुलाया हुआ है। हेलो जन्माष्टमी के प्रोग्राम के लिए। यस गाइस, बाय द वे दिस इज माय मामाज डॉटर, इसका भी एक चैनल है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। तमन्ना दुबे काफी अच्छी वीडियोस बनाती है ये भी। गाइस पता है मेरे ना दादी दादा बड़े क्रिएटिव है, उन्होंने ना ये झूला सिंहासन को ही झूला बनाया है, इतना प्यारा लग रहा है ये, ऐसे इनविजिबल झूला टाइप। मैं
कपड़े आ गए, नए कपड़े, बड़े आउटफिट। चिन्ना में चाहिए, मैं मुझे पूरा मक्खन चाहिए। मम्मी लल्लू नहीं लप्पू बोलो, लप्पू प्यार में कहते ये मेरी लल्लू है। हाँ लप्पू सी तो गोपाल ही है। नहीं ये सुनो है काम इससे किया जावे ना, काम करती ना है जींगो सी गोपाल ही है। ये रहे चिन्ना में तुम्हारे। हेलो जी, हमने कर लिया जन्माष्टमी सेलिब्रेशन, और बहुत ज्यादा थकान हो गई है। आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। एंड यस, ऐसे बैक टू बैक व्लॉग्स में करने की थोड़ी बहुत कोशिश कर रही हूँ। सो यस, आई एम गोना सी यू माय नेक्स्ट टाइम। तब तक बाय बाय, टेक केयर, बाय, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आई एम ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू गाइस। टाटा।